करूंगा परमादृढ़ मिश्रा से कि आए और दो शब्द। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री कायम रजा जी, जिनको कि हमारी पार्टी की मुखिया सुश्री बहन मायती जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, और आपके बीच में मैदान में उतारने का काम भी किया है, और आज जो इतनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को छोड़ करके यहाँ पर आप लोग आए हैं, आज आपने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, आप सभी का पार्टी में स्वागत है। और आज के बाद आपको यह एहसास होगा कि अभी तक आप जहाँ भी थे तो भटके हुए थे, आज आपको अपना घर वापस मिला है, और अपने घर पहुंचने का काम आपने शायद आज ही किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार चली थी, समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप थे, वो किसी से छुपे नहीं हैं। सरकार आते ही किस तरीके से पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, और जिस तरीके से दंगे फसाद हुए, और ख़ास तौर से मुजफ्फरनगर के जो दंगा है वो कभी भी भर नहीं सकता है, वो हम लोगों के जख्म हमेशा हरे भरे करता रहता है। और जिस तरीके से खास तौर से दंगे, एक तरफ दंगा हो रहा है, एक तरफ लोग परेशान हो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, और दूसरी तरफ सैफई में जिस तरीके से महोत्सव मनाया जा रहा था, और महोत्सव मना करके जैसे फिल्मी सितारों के साथ में नाच गाना हो रहा था, वो सबसे उसने और भी घाव को लाल करने का काम किया था। एक तरफ बहन मायती जी की सरकार, एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं, इसके अलावा कि खाली खाली उन्माद फैलाना, आपस में झगड़ा फसाद कराना, दहशतगर्दी करना, लोगों को डराना, धमका के रखना और जीना मुश्किल कर देना हर व्यक्ति का, इनमें और समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत कम फर्क है। और दोनों इसीलिए हम लोग कहते हैं अंदर से मिले रहते हैं, मिल करके ही योजना बनाते हैं, कैसे आपस में लड़ाया जाए, कैसे आपस में भिड़ाया जाए, इसकी योजना बैठ करके बनाते हैं, और उसके बाद अपना अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। किसके बल पे, किसके कंधे पे, जो एक आम आदमी होता है जिसको कि मालूम भी नहीं कि पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके, उसका इस्तेमाल करते हुए ये करते हैं। और बहन मायती जी की सरकार जब थी तब देखिए, आज महिलाएं हर दो घंटे में एक बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या यही महिलाओं की सुरक्षा देने की बात की थी? किसान जो है 750 किसान मर गया खाली अपने प्रदर्शनों के दौरान में, डेढ़ एक साल में, सवा साल में, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। कहते हैं मरते हैं तो मरते हैं, अगर ये अपना प्रदर्शन नहीं खत्म करते हैं तो इनका सर फोड़ दो, ये बयान भी आप लोगों ने सुना, और इतना मारो जब तक सर से खून ना निकलने लगे, और उस तरह से जब लाठी चली उसमें किसान की मृत्यु भी हो गई, ये भी सबने देखा। आज सारे जितने भी काम काज और जितने भी जहां लोग नौकरी पेशा थे, चाहे अपना खुद का काम करते थे, धंधा करते थे, चाहे वो किसी भी कार में लगे रहते हों, उन सबके काम बंद हो गए, क्योंकि विकास जब होता है, चौतरफा विकास जब प्रदेश में होता है, हर तरफ काम होता है, तो हर तरफ रोजगार मिलता है, और हर वो व्यक्ति जिसके अंदर हुनर है उसको कोई ना कोई काम करने का मौका मिल ही जाता है, वो घर में नहीं बैठ पाता है। और ये अगर रहा तो सिर्फ और सिर्फ बहन मायती जी की सरकार में हुआ,
उसके अलावा न समाजवादी पार्टी की सरकार में, वहाँ तो उनके चुनिंदा कुछ ठेकेदार थे उनको मिल जाता था, उसके अलावा तो किसी की पूछ होती नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी तो विनाश के अलावा उनको विकास का शब्द ही नहीं, उनके शब्दकोश में है खाली विनाश का ही शब्द है उनके शब्दकोश में, तो वो उनके यहाँ तो विकास की बात ही नहीं उठती। लेकिन बहन मायावती जी की जब सरकार थी उसको याद करिए, महिलाएं सुरक्षित थीं, किसान सुरक्षित थे, मजदूर सुरक्षित थे, काम धंधे वाले सुरक्षित थे, कोई हफ्ता वसूली नहीं होती थी, कोई फिरौती नहीं होती थी। रात के 2 बजे भी अगर किसी महिला को घर से निकलना होता था किसी जरूरी काम से तो निकल जाती थी, बगैर हिचकिचाए निकलती थी। वो जानती थी कि हमें कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसको मालूम था कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी, और वो बिजली की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, आज तो सड़कें दिख ही नहीं रही हैं। 6,000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था प्रदेश में, 13,500 मेगावाट पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया था। 2-2 कमरे के मकान मुफ्त देने का काम गरीबों को बहन मायावती जी ने किया था। लड़कियों को किसी भी जात किसी भी धर्म के हो, उनको पैदा हुई अगर गरीब घर में लड़की तो सीधे उसके घर में जा करके 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट दिया जाता था कि जब वो 18 वर्ष की होगी तो उसके पास 1 लाख रुपया उसके पास इतना रुपया होगा। जब 1 लाख रुपया दिया गया है तो उसके जब 18 वर्ष की होगी तो 20 लाख रुपए उसके खाते में जमा होंगे, और वो अपना जब हाई स्कूल करेगी तो मुफ्त में उसको उसका पूरी पढ़ाई मुफ्त में हाई स्कूल में, उसको साइकिल, उसके बाद फिर और जब ग्रेजुएशन में जाएगी तो गरीबों जिस भी किसी भी धर्म का हो किसी भी जात का हो, बहन मायावती जी ने उसमें भेदभाव नहीं किया। अगर वो कहती थी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो उन्होंने उसको अमली जामा भी पहनाने का काम किया। पूरे प्रदेश में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कानून द्वारा कानून का राज चलाना बहन मायावती जी को आता है, और दंगे फसाद तो ऐसे भी ये तो होते नहीं है, तो कराए जाते हैं, सबको मालूम है। तो कराने का काम जो लोग करते हैं वो तो यही 2 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी। और बहन मायावती जी की जो सरकार आती थी तो वो चारों तरफ सुकून का काम होता था, और इसलिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है। ये समझ के चलिए कि अब जो आने वाला समय है, मुश्किल से 1.5 महीना बचा है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जनवरी से चुनाव होने लगेंगे, तो आपके पास बचते कितने दिन है? 1.5 महीना।